हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शगुन किचन। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है अरबी की सब्ज़ी। गर्मी के मौसम में अरबी खूब अच्छी वैरायटी की मिलती है, तो हम इसको कई तरीक़ों से बनाते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि हमने जो अरबी चूज़ करनी है वो छोटी हो, बहुत बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए और बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम अरबी को छील लेते हैं। अरबी को छीलते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे हाथों में खुजली ना हो। उसको अवॉइड करने के लिए हम या ग्लव्स पहन सकते हैं या हाथों पर पहले अच्छे से तेल लगा लीजिए। उसके बाद अरबी को नमक वाले पानी में 1 घंटा या 2 घंटे तक डाल के रख दीजिए और फिर अच्छे से धो दीजिए। इससे अरबी की लेस निकल जाती है। हमने कढ़ाई में तेल ज़रूरत के अनुसार डाल लिया है और उसको गर्म कर लिया है। इसमें अरबी डालने से पहले हमें इसको अच्छे से सुखा लेना चाहिए। उसके बाद सारी अरबी इसमें डाल लेते हैं और मीडियम आंच पर सेकना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर सेकने के बाद हम सब्ज़ी को ढक देते हैं। उसके ढकने का पर्पज़ ये होता है कि जैसे जैसे सब्ज़ी फ्राई होती है उसके साथ ही ये अपनी स्टीम में पकती भी रहे। नहीं तो सब्ज़ी फ्राई तो हो जाती है लेकिन वो अंदर तक सॉफ्ट नहीं होती। ऐसी सब्जी खाने में स्वाद नहीं लगती। अपनी अरबी को गलाने के लिए हमने एक और तरीका निकाला है कि मेरे पास एक पत्थर पड़ा है। दिस इज़ गिफ्टेड बाय माय ग्रैंडसन। तो मैं उसको यूटिलाइज़ करती हूँ कि जो सब्ज़ी हार्ड हो, जिसके लिए हमें वेट की ज़रूरत हो, तो हम इस स्टोन को यूज़ कर लेते हैं। सुनते हैं कि गुड ओल्ड टाइम्स में लेडीज़ चनों को गलाने के लिए या राजमा को गलाने के लिए पतीले पर ईंटें रखती थी। तो हमने उसी ओल्ड मेथड को मॉडिफाई किया। अरबी को कढ़ाई में से निकाल लिया। इसके बाद थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको हल्के हाथों से दबा देते हैं ताकि ये फ्लैट हो जाए। इसके लिए एक नैपकिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑयल उसी में चला जाएगा। इसके बाद हमने अरबी की कन्वेक्स यानी कि जो उभरी हुई साइड है उसमें कट लगाना है और इसके बाद इसमें मसाला भरना। इसके लिए मसाला भरने के लिए हम डालते हैं 1/2 चम्मच नमक, 1/3 चम्मच हल्दी, 1/4 से थोड़ी कम पेपर, वाइट मिर्च चाहिए, 1/4 लाल मिर्च। ये मिक्सचर है देगी मिर्च का और सिंपल लाल मिर्च का, बहुत तीखी नहीं है। 1 टीस्पून भर के धनिया, ये छोटा है इसलिए ज़्यादा डाला है, 1/3 स्मॉल स्पून अमचूर। मिक्स करके हमने सारी अरबी में भर लेना है। अरबी में मसाला भर गया। कढ़ाई को हमने खाली कर लिया, उसका घी निकाल लिया और सारी अरबी को इसमें डाल देंगे। इसको हम 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही स्टर फ्राई करेंगे। अरबी बनकर तैयार हो गई है। इसको अब हम बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी कुरकुरी, स्वादिष्ट और अंदर तक नरम अरबी तैयार है। लेकिन हमें ये लगेगा कि ये पूरे घी में फ्राइड है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम एक और इसमें एडिशन करेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, दाल रोटी के साथ ये बहुत ही स्वाद होती है। इसके लिए हमने 10-12 शैलट्स ले लिए हैं यानी कि छोटे वाले प्याज। इनको पहले छील कर धो लिया। अब हम इसमें स्टफिंग के लिए क्रॉस कट कर लगा देते हैं और इनको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। वो इसलिए करेंगे कि अगर हम ऐसे मसाला स्टफिंग करेंगे तो प्याज टूट जाते हैं, माइक्रो करने से ये सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला इनमें आराम से भरा जाएगा। इनमें मसाला अरबी की तरह ही भरना है और उसका इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और साइड बार में भी दिए हुए हैं। मसाला भरने के बाद हम इसको 1-2 मिनट के लिए फिर माइक्रोवेव करते हैं। माइक्रोवेव करने के बाद हमारे प्याज अब तैयार हो गए हैं। अब हम कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें घी बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, तो उसमें खाली प्याज डाल देते हैं। 1-2 मिनट के लिए प्याज को सेक लीजिए और उसके बाद इसमें अरबी डाल देंगे।
अगर आप चाहें तो आप एक दो चम्मच ऑयल के डाल सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि हमारी अरबी जो है वो खुले घी में फ्राई की हुई है। अब प्याज और अरबी दोनों को मिलाकर हम थोड़ी देर के लिए खुले में सेक लेंगे और उसके बाद इसको ढक देंगे। पहले ही ये प्याज नरम हुए में अरबी पहले ही फ्राई की हुई है और अंदर तक पकी हुई है, इसलिए कोई ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, एक दो मिनट में ये तैयार हो जाएगी। तो है ना ये बैलेंस, एक चीज़ ऑयल में फ्राई की हुई, दूसरी बिना ऑयल के, बढ़िया कॉम्बिनेशन है एंड बहुत टेस्टी है। मैंने इसको गोल्डन रखा है, आप चाहें तो इसको थोड़ा डार्क कलर कर सकते हैं, तलते समय तेज़ आंच करके इसको ब्राउन कर लीजिए, लेकिन पर्सनली आई सुजेस्ट कि ये ज़्यादा ब्राउन सब्जियां नहीं खानी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए।